फिट के सपने तोड़े हर जगह, बट अब ये देखिए सोल के अकेले जो प्लेयर बचे हैं हेक्टर, वो कोशिश कर रहे होंगे अपना लगातार निकाल जला के हीलिंग बैटल पे लगे हुए हैं, बट ओआर को हराना इस वक्त से ज्यादा मुश्किल। ऑल्दो दे लॉस्ट वन प्लेयर बट फोर टीम्स नाइन प्लेयर। अब सर्कल पे थोड़ा नजर फेरते हैं, ओआर के पास अभी भी एडवांटेज, गमला बॉय जो हमारे स्कारलेट्स के हैं प्लस ब्लाइंड धीरे धीरे सर्कल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा अगर ऑब्जर्वर साहब हमें सुने, एक बार हेक्टर जरूर दिखाएं हेक्टर के जो क्या यहां पर चल रहा है। बट यस आपके सामने ये जो हमारे प्लेयर हैं हमारे लिए अपने लिए चिकन डिनर की पूरी तैयारी कर रहे हैं, बट आप अपने लिए स्विगी डिनर भी ले सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आप अपने लिए वो स्विगी डिनर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइट बन चुके थ्री वर्सेस वन की, और वो जो एक खिलाड़ी है वो है सोल के हेक्टर। कितने फर्स्ट एड्स लगा रहे हैं एक बड़ा सवाल है, कितने फर्स्ट एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जोन के बहुत बाहर है, लेकिन अब जा करके वो फिनिश हुए हैं टॉप थ्री, पोडियम पर लेकर के आ चुके अपनी टीम को। टीम सोल पहले गेम में टॉप थ्री में आई है, ओ आर के खिलाड़ी उनके पास चांस रहेगा। ये प्लेयर ये जो आपने देखा है चेंज, ये एफ पी पी स्वॉप है, फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव पर स्वॉप किया है, एज इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है ग्रेनेड्स डालने की सब चीजें करने की। आतंकी एफपीपी स्वॉप करके नजर आ रहे हैं, वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लाइंड के प्लेयर आगे की तरफ मूव करना चाहेंगे, दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। थ्री वर्सेस थ्री का पूरा सिचुएशन बन रखा है, ब्लाइंड के खिलाड़ी बिल्कुल सामने हो और अपने घर एक विनर विनर चिकन डिनर लेकर के आ सकते हैं सर्कल के अंदर थे, लेकिन नहीं ब्लाइंड के खिलाड़ी जैडी ने एक प्लेयर को डाउन किया, आतंकी को डाउन किया जा चुका है, मतलब आगे की तरफ को मूव करने की हरी झंडी मिल चुकी है। जैडी यूएमपी उनके पास रहेगी, पोजिशन थोड़ा डावाडोल है अभी भी ब्लाइंड का, क्योंकि सर्कल उनको धकेल रहा है, सर्कल उनको ओआर की तरफ धकेल रहा है। ऐसे में ये प्लेयर्स कैसे जाएंगे अगले 30 सेकंड में, या तो गेम खत्म करें नहीं तो फिर आएगा आखिरी जोन जो रहता है विनर सर्कल, लेकिन यहीं पर दिक्कतें बन सकती हैं। जैडी बिल्कुल सामने उनके प्लेयर्स, अगर एक थ्रो बोलो तो सोचिए यहीं पर सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पे आतंकी को नॉक करने के बाद आप सरप्राइज की इन्होंने पुश कर कर थोड़ी सा इन्फो कलेक्ट क्यों नहीं किया, थोड़ा सा फायदा क्यों नहीं उठाया, बट उन्होंने उन टाइम के अंदर वो डिस्टेंस को क्लोज आउट किया एंड दे जस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब इन्फॉर्मेशन है जेडी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी, अगर उन्होंने ओआर के प्लेयर ने उनको एंटिसिपेट नहीं किया देन जेडी का एक आधा नॉक पूरी काया पलट कर देगा। सिचुएशन दोनों के पास बराबर फाइट है, बट हाई रेज एडवांटेज की अगर मैं बात करूं जेडी के पास हो सकता है, बट ये देखिए रेज काफी ज्यादा ओपन में थे, आतंकी फायदा उठाया और इंस्टेंटली नॉक निकाल कर उनको फॉलबैक के खेल पे मजबूर कर दिया। एडीएस कोला जेडी ने डैमेज तो बहुत दिया काफी कम एचपी में, ओशियन थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ यहाँ पे ओआर के हाथों से, एग्जैक्टली थिंग्स माइट जस्ट बी गेटिंग आउट ऑफ हैंड, क्योंकि डेडपूल अब आगे की तरफ चार्ज करना चाहते हैं, वेपन पर स्वॉप किया है उन्होंने, लेकिन डैमेज ओआर ही देती नजर आ रही है। ओआर स्पोर्ट्स पहले दिन में इतिहास बनाने की कोशिश इनकी तरफ से रहेगी भी और बनाएंगे भी, क्योंकि ये लेकर के जाएंगे एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर। ओआर वेल बेहतरीन इन्होंने खेला है, लाजवाब इनका प्रदर्शन था, काबिल तारीफ इन प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पर क्षमता देखने को मिली और खुद को अपनी टीम को गर्व महसूस कराया है। थैंक गॉड एट लीस्ट दे आर सेलिब्रेटिंग, आई कैन सी माय बिग स्माइल ऑन द फेस कि यस आदित्य इज हैप्पी, एवरीवन फ्रॉम द टीम इज सुपर हैप्पी, बिकॉज़ जिस तरीके से खेले को 3v3 सिचुएशन के अंदर एक प्लेयर भी अगर नॉक हो जाए पूरा रायता फैल जाता है, बट इन्होंने संभाला, इन्होंने होल्ड करा, इन्होंने रियूनाइट किया, फिर कहते ना फिर से एक अच्छी स्टार्ट के साथ इन्होंने आगे बढ़े। आतंकी जो पहले नॉक हुए थे